हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार माहौर। आज हम पहुंच चुके हैं कोसली अनाज मंडी में और हमारे साथ मौजूद हैं जन सेवा समिति के अध्यक्ष शिव कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं। सर, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं शिव नारायण पूनिया, गांव झाल, आम जन सेवा समिति और मंगोरी देवा सेवा समिति की ओर से आज अनाज मंडी कोसली में गरीबों को खाना खिला रहे हैं और हम महीने में दो बार तथा साल में दो बार बड़ा भंडारा भी करते हैं और गरीबों की जहाँ भी मदद होती है वहाँ करते हैं। कभी साड़ी बांटते हैं, कभी कपड़े बांटते हैं, कभी जूते चप्पल बांटते हैं, स्कूलों में जा कर के गरीब बच्चों को किताबें पेंसिल वगैरह देते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हाई लेवल पर आते हैं उनको भी हम सम्मानित करके आते हैं और जो भी मतलब सेवा होती है और गांवों की भी हम साथ साथ सेवा करते हैं। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम आम जन सेवा समिति की ओर से हम कार्यरत हैं और लोगों की आम सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सर, आप यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं। हाँ जी। इसके पीछे आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है? ये है कि हम गरीबों को मतलब उठाएं, उनको ऊपर उठाएं और किसी को भूखा नहीं छोड़ाएं। सर, आपकी संस्था गरीब बच्चों को खाना खाने के अलावा हाँ जी और किस क्षेत्र में कार्य करती है? इनको कपड़े, जूते, चप्पल ये भी हम समय समय पर बांटते रहते हैं और कापी किताब वगैरह तो मैंने बता दिया पहले भी। स्कूलों में जा करके गरीब बच्चों को कॉपी किताबें और जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में आते हैं उनको भी हम उनके वहाँ जा करके सम्मानित करके आते हैं। पिछले महीने हमने महेंद्रगढ़ में 3-4 जगह मतलब उनको सम्मानित करके आए जो नेशनल लेवल के ऊपर उठ करके आए थे। सर, आप यहाँ गरीब बच्चों की सहायता कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये ऊपर वाले ने दी हमको प्रेरणा। हम सब ने मिल करके एक समिति बनाई, उसमें भाई लोगों को आम जन सेवा के लिए कोशिश करो और उनको ऊपर उठाओ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार। सर, आप अपनी संस्था के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देंगे कि जहाँ पर भी गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि संस्था का भी काम यही होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उनकी हेल्प करें। जैसे आज हमने यहाँ कोसली मंडी में इनको भोजन खिलाया है ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। हमारी यही है कि हर कोई पेट भरकर सोए। संस्था की तरफ से हमने हेल्प की है। सर, आप अपनी संस्था के द्वारा आगे समाज में और क्या क्या कार्य करने चाहेंगे? हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा में हमें अब पेड़ों के लिए चाहेंगे कि पर्यावरण बचाया जाए। एक मुहिम लाएंगे कि हर गांव में जा जाकर पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण बच सके। और हमारी संस्था ऐसे बहुत से कार्य करती है, जैसे हमने कन्यादान योजना निकाल रखी है जिसके तहत गरीब परिवार के लड़की शादी में हम सहयोग करते हैं और सर्दियों में हम कंबल दान करते हैं, वो भी भिन्न भिन्न जगह। ये नहीं कि भाई एक जिला ले लिया, हम हर जिले में कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हम पहुँच सकें वहाँ कार्य करें। धन्यवाद सर। प्रदीप जी का कहना है कि वो आगे आने वाले समय में और बहुत सी कार्य करेंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे और पेड़ लगाएंगे। मैं अमित कुमार माहौर अपने कैमरामैन राकेश के साथ, स्टेट न्यूज हरियाणा। अब होगा हर बीमारी के इलाज, वो भी बिना गोली और बिना इंजेक्शन के। उत्तरी भारत का नंबर 1 एक्यूप्रेशर सेंटर कोमल एक्यूप्रेशर, जहाँ होगा आपकी हर बीमारी का इलाज। इस पैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी प्रकार की दवाई या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज के समय सभी अंग्रेजी दवाइयां खाकर परेशान हैं और यह पैथी ऐसी है जिसमें परमानेंट इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। आपको यहाँ हर तरह के उपचार की सुविधा मिलती है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, लेजर एक्यूपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा भी यहाँ करवा सकते हैं। वमन, जल नीति, सूत्र नीति, मसाज, मड़बाथ, स्टीम बाथ, योगा, फिजियोथेरेपी की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। लाइलाज बीमारी का इलाज बहुत ही सरल तरीके से यहाँ किया जाता है।
कोमल एक्यूप्रेशर आपके शहर कोसली में संजीवनी अस्पताल के ठीक सामने। संपर्क करें 9416580715।